बैक टू माई चैनल डी एस क्रिएशन। गाइज आज हम बनाने वाले हैं जीप। हाँ गाइज आज हम बनाने वाले जीप, वो भी मेज बॉक्स से। तो गाइज आपको तो पता ही है, हमें जब भी मेज बॉक्स बुलाना रहते हैं तो हम बुलाते हैं हमारी पिकअप को, टाटा एसी गोल्ड को। तो गाइज वो आई थी और मेज बॉक्स पूरे ही खाली करके जा चुकी है वो। और गाइज अब फटाफट से बनाना चालू करते हैं, तो हम इधर से मेज बॉक्स उठा लेते हैं। हमें दो दो के कुल मिला के चार सेट लग जाएंगे, देख सकते हैं। ये हमने उठा लिए, दो सेट उठा लिए दो दो के, और दो और उठा लेते हैं। कुछ सीढ़ी टाइप से बन जाएगी ये। ये देखिए आप। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमें नीचे का बेस तैयार कर लेना है। मेज बॉक्स को हम फटाफट से इस तरीके से असेंबल कर लेते हैं। तो गाइस मेज बॉक्स कुछ इस तरीके से पेपर की मदद से चिपकाना है, देख सकते हैं मैंने पेपर की तरह मदद से चिपकाया है। अब फटाफट से हम इसके ऊपर वाले साइड के और नीचे वाले साइड के दो दो मेज बॉक्स लगा देते हैं। मेज बॉक्स आपके सामने है और हमने पेपर की मदद से पूरा ही इन्हें असेंबल कर लिया है और मजबूत भी हो गए हैं, देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर बनाना चालू करते हैं फटाफट से, देख सकते हैं। यहाँ पे मेज बॉक्स से खड़ा लग जाएगा, यहाँ पे खड़ा लग जाएगा और यहाँ पे दो दो की लाइन लगा देंगे, या तो फिर आगे से कार्डबोर्ड लगा के पीछे की साइड से मेज बॉक्स लगा देंगे। देख सकते हैं मैंने मेज बॉक्स के ऊपर कुछ इस टाइप से यहाँ साइड में एक मेज बॉक्स लगाया, फिर उसके बाद ये गेट को यहाँ दोनों कागज़ से अटैच किया है। उसके बाद ये देख सकते हैं टायर मैंने अटैच नहीं करे हैं अभी, बस सिर्फ बना के रखें। देख सकते हैं मेज बॉक्स के ऊपर ये स्टैंड है वो। अभी अब आपको फ्रंट साइड से दिखा देता हूँ, ज़रा देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड लगाया, उसके ऊपर दो मेज बॉक्स चिपका दिए ऊपर की साइड से, देख सकते हैं आप। और साइड में मैंने एक इस टाइप से आड़ा कार्डबोर्ड लगा के उसके ऊपर कुछ इस टाइप से कार्डबोर्ड कट करके लगा दिया है और दोनों ही साइड पर सेम टू सेम करा है। और उसके बाद में मैंने ये अंदर की साइड एक कार्डबोर्ड की लंबी स्ट्रिप लगा दी है। और टायर अभी बन रहे हैं, देख सकते हैं आप, आपके सामने आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जीप का गेट लगा दिया है और पीछे की साइड से कार्डबोर्ड का पीस लगा दिया सर्कल में, और उसके साथ में यहाँ मैंने छत भी कर दी है कार्डबोर्ड के पीस से, और यहाँ पे पाइप लगा के कुछ इस तरीके से अच्छा डिज़ाइन दे दिया है। दोनों ही साइड पर ऐसा डिज़ाइन दे दिया है, और पीछे की साइड भी एक मैंने प्लेन कार्डबोर्ड लगा दिया है, वो इस साइड भी सेम टू सेम वैसा ही करा है। और गाइस आप देख सकते हैं जीप में मैंने फ्रंट की साइड से थोड़ा सा ये इस टाइप से कार्डबोर्ड लगाया है, और यहाँ रेड कलर करना है जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, मैं आपको रेड कलर करके बताता हूँ। और गाइस ये सामने से एकदम मिनी ट्रक जैसा दिखता है, जीप जैसा तो नहीं दिखता, साइड से भी अब थोड़ा मिनी ट्रक जैसा ही दिख रहा है। कलर करने के बाद देखते हैं कैसा दिखता है। देख सकते हैं हमारी महिंद्रा की थार जीप पूरी बन के रेडी हो चुकी है। ये देखिए, देखिए कुछ इस टाइप से इधर साइड से थोड़े ट्रक जैसा डिज़ाइन आ रहा है। यहाँ पर हमने जो गोल्डेक्स की पाइप लगाई थी वो ये देखिए, पीछे साइड डीएस लिखा है ग्रीन कलर के उसमें, और सिल्वर कलर से लिखा था, बहुत ही अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं आप भी अपना नाम लिख सकते हैं वहाँ पर कुछ भी। तो ये देख सकते हैं हमारी जीप, ये हमारा साइलेंसर लगा है, ये चीज़ मैंने जो पेन की लीड आती है वो लगाई है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ डिज़ाइन लगाया है ऐसे ही, और यहाँ महिंद्रा लिखा है और अंदर की साइड डी एस, और यहाँ पे ये हेडलाइट आप देख रहे हैं, ये पेपर टेप की लगाई है मैंने काट के, और नीचे सिल्वर कलर के जो ग्लिटर आता है उससे बनाई है, और उसके भी नीचे यहाँ वाइट कलर से बनाई है। आप तीनों में से बताइए मुझे कौन आपको कौन सी अच्छी लगी कमेंट में, फर्स्ट वाली, सेकेंड वाली या थर्ड वाली। और ये थार लिखा है सिल्वर ग्लिटर पेन से, और ये कुछ इस तरीके से अंदर से डिज़ाइन लगी है। और हमने ये वाला जो सिस्टम है ये लगाया है, जो आगे का बोनट आता है वो हमने निकालने और वापस लगाने वाला बनाया है। इसमें से तो बहुत पुराने टाइप की जीप लग रही है, वापस इसे लगाने में ही अच्छा दिख रही है।
तो गाइस आप बताइए मुझे कि आपको यहाँ जीप कैसी लगी। चलिए एक बार इसे छत पे भी ले जाके देख लेते हैं। तो गाइस आप सभी लोग देख सकते हैं हमारी महिंद्रा की थार जीप पूरी कंप्लीट होके देख रही है किसी। और आपको पता है कि हम तो माहिर है कुछ भी चीज़ बनाने में। अगर आपको कुछ मिस्टेक लगती हो तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर इस वीडियो के नीचे अगर कमेंट नहीं देता है यूट्यूब तो आपको इसी दूसरी वीडियो के नीचे जहाँ पर भी कमेंट मिले वहाँ पर आप कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा मेरी गलती क्या है और मैं उसे सुधारूँगा फिर। तो गाइस मिलते हैं आप अगली वीडियो में। अगली वीडियो में सोच रहा हूँ ग्रेडर बना लूँ शायद, तो आप मुझे उसके बारे में भी बता सकते हैं कि कैसे बनाना है। अगर आप में से किसी को आता हो तो मुझे वो भी एक्सप्लेन कर सकता है कमेंट के द्वारा। तो मिलते हैं फिर हमारी अगली वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए ठीक है।